भाई मेरे मन में ना बहुत दिन से एक शेर खटक रहा है, अर्ज करूं? अबे चुप, अपनी बकवास बंद कर। भाई तू ना अपने भाई से बहुत जलता है, तू अपने भाई की खुशी नहीं देखना चाहता। चुप, अपनी बकवास चालू कर। चार लाइन पेश कर रहा हूँ इस शासन में। मत कर मोहब्बत हसीना से मेरे दोस्त, वाह वाह, वो तो आंखों से वार करती है। वाह वाह, मैंने तेरी वाली आंखों में देखा, ओहो, तू तो मुझसे प्यार कर। वाह 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 वाह, भाई मानते हो ना अपने भाई को? वैसे नाटक, चल भी काम पे। यार पहले मेरी बात तो सुन, मेरे पास 30 लाख रुपए हैं। भाई 30 लाख रुपए, मालूम कितने जीरो होते हैं? कितने? 1 2 3 4 5 6 7 7 0। भाई 7 0 होते हैं? भाई अपने भी बंगले होंगे, oh no! और रॉयल वाले कपड़े होंगे। भाई इसी बात पे ना मुझे एक शेर याद आ गया, अर्ज करूँ? भाई तू रहने दे, मेरी बात ध्यान से सुन। औसम जहर खतरनाक। अरे अरे छोटे बस करना, थोड़ा डाले के फिर बोल डालेगा तू। ए भाई साहब बहुत बड़े एक्टर है ये। आप कौन हो? अरे तुम इन्हें नहीं पहचानते? ये उत्तर प्रदेश के मशहूर डायरेक्टर यो फन्नी सिंह, इनकी एक मूवी आ रही है, इन्होंने एक्टर आपको चुना है। यो फन्नी सिंह, नाम तो पहली बार सुना है। अरे भाई साहब नाम में क्या रखा है, अपने बारे में सोचो, अपने बारे में। जब आप पढ़ते पर चल कर आओगे अमिताभ बच्चन की तरह, पूरी पब्लिक चिल्लाएगी। वाह 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 वाह, हाँ लेकिन करना क्या है? एक्टर कैमरामैन आप लोग तैयार हो? 1 2 3 एक्शन। सर आपके वाला डायलॉग बोलना है, सिमरन सिर्फ तुम मेरी हो मेरी, सिमरन तुम सिर्फ मेरी हो मेरी। कट। सर आपको एकदम अंदर से सीरियस होके बोलना है। सर आप ऐसा कीजिए ना, ये बैग उतार। नो, डोंट टच मी बैग, जानते हो इस बैग में पैसा है, पैसा। बस इसी पैसे के लिए तुम लोग कर रहे हैं? सर ऐसा करिए आप दूसरी सी लीजिए। सर रुके रुके क्या कर रहे हैं यार, हमारी अभी शादी नहीं, बच्चे नहीं हमारे, तो आप रियलिटी मार रहे हैं? कौन से एक्टर यार ये? अबे क्या कर रहा है बे? अरे सर सही से थोड़ा करिए ना। सर ये आपका हो गया, एक आपको झकासी दिखाऊं क्या? नहीं सर पैसों को कोई दिक्कत नहीं, बस हम सीन कर रहे हैं। चलिए सर आपको बता रहे कैसे करना है, सर ये दीजिए और सर प्रॉब्लम नहीं, हम आपका बैग नहीं लेकर भाग रहे, बस आपको सीन बता रहे हैं, एक बार और सीन समझा दे रहे हैं आपको, अब भागिएगा मत, बस देखिएगा ना। चलिए स्टार्ट। रन। अबे भाई भाई मेरी बात तो सुन लो यार, उसमें मेरा 30 लाख का चेक था। हाँ मैं कदाब रहा ब्रो, ब्रो इस पैसे से ना सबसे पहले अपनी मैं कार लूँगा, मैं बंगले और रॉयल वाले कपड़े। सही है ब्रो, ब्रो अब बैठ जाए, बैठ बहुत जाए। दौड़ चुके हैं यार। ब्रो हाँ, मैंने सपने में ना काला नाग देखा। हाँ? सोचो
आज का दिन कैसा जाए? है क्या बात है, बड़े नागोक देखे जा रहे हैं सपने में। यार एक काम कर, इस बार को ना तू ही खोला। ब्रो इसमें 30 लाख रुपए, इसको तो तू ही खोल। है क्या बात है, बड़ी शर्म उरम आ रही है। ब्रो इसे खोलने से पहले ना मुझे एक मंत्र याद आ गया, ना वो मंत्र पढ़ने से सारे गलत काम अच्छे हो जाते हैं। मैं पढ़ रहा हूँ, अंतर मंत्र जादू कलंतर, सारे गंदे काम हो जाते छू मंत्र, जो भी बलाएं काली आत्माएं सब बाहर से निकल जाओ। अरे भोसड़ी को, अरे भाई मंत्र पढ़ा भाई। पैसे तो बैग में है। अबे ये किसकी चिट्ठी है? क्या मालूम मुझे, भोसड़ी के बैग में पैसे किधर है? पैसे क्या हुए बैग में? मैं तो आप ही के साथ हूँ, पैसे क्या हुए मुझे क्या मालूम। मेरे तो लग गए, मेरे तो लग गए, मेरे भाई तो ट्रैक्टर ने ना मैं चूतिया काट दिया। तू सही बोला भाई, वो झूठ बोल रहा था कि मेरे पास 30 लाख रुपए। धोखा मिला है, उस एक्टर ने धोखा दिया, अब इंतकाम दिखेगा मेरा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मुझे आशा है आप अच्छे होंगे, जरूर अच्छे होंगे। भाइयों अपना चुनाव चिन्ह जैसी भी है, हमारे देश के प्यारे नागरिक आने वाली 30 तारीख को अपनी कीमती वोट दे के हमको विजयी बनाए। बस मेरा यही कहना है, नेता नहीं नौजवान लौंडा चुनिए। चुनने के बाद हर घर में जेसीबी से खुदाई होगी। क्या बकचोदी कर रहा है? City don't show me no loving, that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going, I'm. अरे भाई हम कहाँ फंस गए हैं, हमारा तो इतनी काम बाकी है भी। अरे ऊपर वाले हम लोगों को कहाँ फंसा दिया भाई। बड़े बुजुर्ग ना बात कह गए हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है भाई। हमें 30 लाख रुपए नहीं मिले ना, सोच ऊपर वाला कुछ बड़ी चीज ऑफर करने वाला है। सही है यार। अच्छा वो सुबह मंत्री जी को कॉल आया था लखनऊ से चुनाव का प्रचार करने। अरे और नेताजी, अरे और पटेल जी, पटेल जी कैसे हो? और कैसे हो? और वोट वोट का क्या हुआ नेताजी? कोई नहीं पटेल जी, और तो मिल जाएगी। अरे नेताजी वोट लेने के लिए घर घर दौड़ना पड़ता है, गिड़गिड़ाना पड़ता है, वोट तो हाथ जोड़ कर मांगना पड़ता है। उस नेता का क्या हुआ? उस नेता को क्या है नेताजी, उसके पास तो 3 करोड़ रुपए हैं, वो पैसे से वोट को खरीद भी सकता है। ओ नेताजी
ओ नेताजी मैं भोसड़ी के। अरे वो नेताजी वोट का क्या हुआ, क्या अरे सोच रहे हैं? नहीं पटेल जी, वोट तो हम घुस कर मांगेंगे। अरे मेरा मतलब कि वोट हम घर में घुस कर मांगेंगे। चल बेटे चल वोट मांगने। पिघला दे जंजीरे, बना उनकी। यार इलेक्शन तो जीत जाएंगे हम लोग। यार तुझे इलेक्शन की पड़ी है, इधर तो मुझे बस 2 करोड़ के दिख रहा है। चल ठीक है, बट पैसे कैसे आएंगे यार? देख इलेक्शन खत्म होते ही हाँ वो नेता अपने साथ पैसे लाएगा, वो जैसे पैसे लाएगा रूम पर वैसे हम उसके 2 करोड़ रुपए लेकर गायब हो जाएंगे। ठीक, स्वागत है आपका दोनों चूतियाओं के इलेक्शन में। नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। तो भाइयों बहनों वो घड़ी आ चुकी है जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार था। जी हाँ, आज हम अनाउंस करने जा रहे हैं उस नेता का नाम जिसने अपनी मेहनत और मुशक्क़त से जीत हासिल की है। उस नेता का नाम गड़बड़ है, वो चुनाव जेसीबी के खुदाई से जीत चुके हैं और जहाँ भी हो चले आए स्टेट पर। अरे नेताजी 2 करोड़ चोरी हो गया। याद आया उस दिन तुम लोगों ने क्या बोला था? कितने बजे चाहिए तुझे? 10,000 देने की बात की थी तूने। अबे तेरी औकात 10,000 रुपया लेने की? रुक जा, ये पकड़ 10 रुपए और जाकर मौज कर। तुमने 10 रुपए देके ना मेरी औकात दिखाई ना, इसका बदला मैं लूंगा। अच्छा चल वो सब ठीक है, लेकिन ये बता फिर तुम्हें 2 करोड़ के बारे में कैसे पता चला? इलेक्शन वाले दिन तुम दोनों कुछ बात कर रहे थे, उधर से मैं गुजर रहा था, तुम्हें देखा इसीलिए मैं रुक गया। चल ठीक है, बट पैसे कैसे आएंगे यार? देख इलेक्शन खत्म होते ही हाँ वो नेता अपने साथ पैसे लाएगा, वो जैसे पैसे लाएगा रूम पर वैसे हम उसके 2 करोड़ रुपए लेकर गायब हो जाएंगे। ठीक। अबे सुनो 2 करोड़ की बात छोड़ो, 2 रुपए की भनक नहीं लगेगी। वन
just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in, I'm fed up with so many things. I gotta just let it all out, I'm talking about the shit they've been talking about.